boss, work for me, manifest. सो गुड मॉर्निंग एवरीवन और स्वागत है आप सभी आज की नई वीडियो में। तो अभी टाइम हुआ है 5:20 AM, 5:22 हो गया और मैं जिम जाऊंगा 6:30 बजे। तो अभी सबसे पहले उठ के मैं फ्रेश होऊंगा, ब्रश करूंगा और फिर उसके बाद में प्री वर्कआउट मील बनाऊंगा जिसमें कि 4 अंडे का ऑमलेट और थोड़ी सी कॉफ़ी। और जिम में आज हम मैंने बताया शायद आर्म्स ट्रेन करने वाले हैं और उसके बाद में हम थोड़ी सी आर्म रेसलिंग की प्रैक्टिस करेंगे। और वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि जिम से आकर मैं आपको एक अपनी पर्सनल फेवरेट चीज़ दिखाऊंगा जो कि मैं सर्दी के टाइम पर करता हूँ। सो अब चल के फ्रेश होते हैं और अपने प्री वर्कआउट मील बनाते हैं। सो मैंने ब्रश वगैरह कर लिया है और अब मुझे ब्रेकफास्ट के लिए अंडे लेने थे। तो मैं इस वाले रूम में सोता हूँ अकेला और मम्मी और दीदी एलेक्स वो सामने इस वाले कमरे में सोते हैं। तो अंडे जो हैं वो रखे हैं उस वाले रूम के उधर, उस रूम के लेफ्ट में एक और रूम है तो वहाँ पे अंडे रखे हैं। तो अंडे लेकर आता हूँ बस उनकी नींद डिस्टर्ब ना हो जाए। तो प्री वर्कआउट मील मैंने बना ली है जिसमें कि ये 4 अंडे की भुर्जी और थोड़ी सी कॉफ़ी। तो अब इसको कंज्यूम करते हैं और इसके बाद हम मिलेंगे आपसे सीधा जिम में। A few moments later. So, जिम में आ चुका हूँ और मेरे साथ में अंगूर भैया भी हैं। तो हम सबसे पहले 3 ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज लगाएंगे, फिर 3 बाइसेप्स की, उसके बाद में 2 हम करेंगे आर्म रेसिंग एक्सरसाइज। तो ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज में हम सबसे पहले करेंगे रो पुल डाउन, उसके बाद में डबल हैंड ओवर हैंड डंबल और फिर थर्ड हम करेंगे, थर्ड कौन सी करेंगे, हाँ, उसके बाद बाइसेप्स की 3 बाइसेप्स की कर्ल, डंबल हैमर कर्ल और एक और करेंगे कोई सी, उसके बाद हम 2 एक्सरसाइज करेंगे आर्म रेसिंग की। Anything, I attract all the things that I see. I believe I'll achieve as I breathe in and out again and again. I don't doubt, I sit and I plan and I found out that I can execute. If I'm driven, if I listen, if I learn all the wisdom, read some books, something written, watch the best. Teach a system, I invest, never hidden, I ain't scared. Ain't no chicken, I take days, I'll be winning, you get back what you're giving. Find the reason that you're living, what you're good at, all your gifts and what you love. Take a risk and find out what you've been missing, yeah. It lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. It lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your
जो कि बाहर से मतलब वाइड डिप करके करते हैं और कुछ उसको क्लोज डिप से करते हैं। तो जो क्लोज डिप से करते हैं वो कहते हैं वाइड से नहीं करनी चाहिए, और जो वाइड से करते हैं वो कहते हैं क्लोज से नहीं करनी चाहिए। पर दोनों ही एक्सरसाइज ठीक होती है क्योंकि दोनों अलग अलग मसल्स को ट्रेन करती हैं। जब उसको वाइड ग्रिप से करते हो तो जो आपकी बाइसेप्स की जो पीक है ये वाली, ये ज़्यादा निकलती है, और जब आप इसी एक्सरसाइज को क्लोज ग्रिप से करोगे तो जो बाइसेप्स की वाइडनेस होती है वो ज़्यादा होती है। तो जब उसको ऐसे इस तरह से करते हो, आप देख सकते हो मेरा बाइसेप्स इस टाइम पीक ज़्यादा आएगी, पर इसको जो आप क्लोज से करोगे तो पीक नहीं आएगी पर वाइडनेस आएगी बाइसेप्स की। तो एक्सरसाइज दोनों ठीक है, डिपेंड करता है कौन सी मसल्स को टारगेट कर रहे हो, तो अपनी मसल्स के हिसाब से आप ट्रेन कर सकते हो। Always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. तो अभी टाइम हो रहा है 11:20 AM और मैंने ब्रेकफास्ट करा था सुबह 9 बजे, और ब्रेकफास्ट में मैंने दोबारा से 4 अंडे की भुर्जी बनाई थी और 80 ग्राम दलिया। आज मैंने ओट्स नहीं बनाए, दरअसल मेरे ओट्स ख़त्म हो चुके हैं और मैंने सोचा कि इस बार दलिया पे दोबारा से आ जाता हूँ, क्योंकि पिछले 2-3 महीने से मैंने दलिया को बिल्कुल भी टेस्ट नहीं करा था, और उससे पहले मैं दलिया को ही खाया करता था। पर पिछले शायद 2 महीने पहले मैंने ओट्स को डिस्कवर करा था कि ओट्स कैसे अच्छे लगते हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे, तो फिर मैं ओट्स पर पूरी तरह से शिफ्ट हो गया। और जो दलिया है वो मतलब मैं बाहर से नहीं लेकर आया था, मैंने घर पर ही दलिया बनाया था। दलिया कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो अगर आपके घर में गेहूं पिस के आटा आता है तो अच्छी बात है, अगर आप आटा ही पिसा हुआ लेके आ रहे हो तो फिर तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, आप मार्ट में जाओ और वहां से दलिया ख़रीद लो। अगर आप आटा पिसवाते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गेहूं लो, जितने आपको दलिया बनाना है जितने गेहूं का, उन गेहूं को भून लो। उसके बाद में जो आपके घर में नॉर्मल मिक्सी होती है, मिक्सर होता है, ग्राइंडर होता है, आप उसमें उन भुने हुए गेहूं को डालो, एक लिमिट तक उनको पीसो, तो बस दलिया बन जाता है। ऐसे ही मैंने दलिया बनाया था, और अब मैं जो मेरा प्रोटीन का स्कूप होता है उससे ही मैं नाप के 80 ग्राम दलिया बनाता हूँ। उसके लिए क्या करना है, आपको 2 घंटे के लिए दलिये को फुले के रखना है। जितने पानी में आप दलिया बनाओगे उतने ही पानी में उस दलिये को फुले दो, जो 80 ग्राम 100 ग्राम जितना भी आपको बनाना है। उसके 2 घंटे बाद में आप जैसे ओट्स बनाते हो सेम वैसे ही दलिये को बना सकते हो। और एक चीज़ मैंने आपको सुबह बताई थी कि मैं इस वीडियो में आपको एंड में बताऊँगा, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए थोड़ी सी मूंगफली, पीनट्स, इनको पहले तो सबसे पहले छीलते हैं। फिर जो दूसरी चीज़ चाहिए वो मैं आपको नीचे जाके दिखाऊंगा या बता देता हूँ। दूसरी चीज़ आपको चाहिए बस थोड़ा सा गुड़ और 2 से 3 चम्मच घी। तो शायद आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि मैं क्या बनाऊँगा, पर वो उससे कुछ अलग होगा जो आप सोचोगे शायद। तो पहले तो मूँगफली को छीलते हैं, फिर उसके बाद नीचे चल के इसको बनाता हूँ। तो आज के वर्कआउट आपने देख लिया था, वर्कआउट में हमने ट्राइसेप्स और बाइसेप्स लगाई थी। अब मोस्ट प्रोबेबली मैं अब वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट ट्यूसडे को, और नेक्स्ट ट्यूसडे को मैं लगाऊंगा बैक की वर्कआउट।